दोस्तों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और निर्माण एक शब्द आपका आता है सामान्य आधारित विषय में, तो निर्माण हम बहुत चीज़ों का करते हैं। यहाँ मैं बात करूँगा छात्र निर्माण की, जिसमें कि सर्वांगीण विकास की भी बात आती है सामान्य आधारित विषय में, जिसमें सर्वांगीण विकास गांव का किया जाता है, रोड नाली खड़ंजा सारा कुछ बता के बना के। तो यहाँ छात्र का निर्माण जो अगर हम लें तो देखें तो उसको हम उसके निर्माण में ज्ञान हमें जो देना चाहिए वो माता पिता का और संस्कार का जरूर देना चाहिए, और देश विदेश और प्रदेश गांव समाज और पर्यावरण के साथ कक्षा 10 तक योग और पीटी के साथ जरूर और उसको ज्ञान होना चाहिए। और गांव समाज का है तो पेड़ प्रकृति को भी जाने, और दूसरा उसको बोध जिसको आप कहते हैं कि जिसको छूने से आदमी जल जाए, तो वो लालटेन है, तो वो उसे रिश्तों को उसमें और प्रकृति के बारे में कि पेड़ को काटने से क्या नुकसान हो सकता है, ये विषय भी हमारा है। और 1 से 10 तक का, ये तो 11-12 का हमारा विषय है, लेकिन 1 से 10 तक के विषय में को वो विशेष रूप से जाने, तो आगे उसकी उन्नति छात्र की निर्माण में हमें आसानी होगी 11-12 पढ़ाने में उनको। और ये माता पिता ही कर सकते हैं, थोड़ा सा माता हम लोग के माता पिता ने तो किया है, और मैं आपसे भी, और बोध उनको और हो तो थोड़ा सा शिक्षा और विद्या मैंने दिया, तो शिक्षा विद्या तो जरूर होनी चाहिए। विद्या में जैसे कि आप रोजगार कैसे पाओगे, टाइप आपको आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश की, 20 शब्द 1 मिनट में, और कंप्यूटर आपको आना चाहिए, एक इसकी भाषा भी आनी चाहिए, आज का ज़माना ही यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, और जो है आदि मतलब आप जितना ही एनसीसी मान लीजिए, ये भी एक हर कॉलेजों में तो नहीं लेकिन कुछ जगह है, तो उससे भी आप रोजगार को खड़ा कर सकते हैं। और परावर्तन में देखिए, भारत एक धनी देश है पर यहाँ के लोग निर्धन हैं, इस पर एक टिप्पणी हमें लिखने को सामान्य आधारित विषय में आती है ये, क्योंकि हमारे पास तो हर चीज़ों से हम संपन्न हैं, धन धान्य से और प्राकृतिक संसाधनों से, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास तकनीकी नहीं है, और बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर कमी भी है और भी कमियाँ हैं तो जिनको आप खुद सोच सकते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा निर्धन हो जाते हैं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो बेरोजगारी कहीं नहीं है, ये हमारी सोच है या फिर हमारी शिक्षा की दिशा गलत है, आप इसको ये मान के चलें कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं या उसकी दिशा गलत है, तो इस तरह से आप जो है बेरोजगारी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सही शिक्षा ले रहे हैं, सही दिशा में ले रहे हैं, तो आपको बेरोजगारी नहीं आएगी, और आप 10 तक अगर आप सही शिक्षा लिए हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 11-12 में आपको कम से कम नहीं आएगी। और व्यावसायिक शिक्षा चूँकि पढ़ाता हूँ तो व्यावसायिक शिक्षा तो श्योर है कि ये आपको जरूर जो है, क्योंकि रोजगार पूरक शिक्षा है तो टाइप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एनसीसी और रोजगार से ही और आमदनी कैसे की जाए, तो ये सब चीज़ों का ही विषय है 11-12। लेकिन 1 से 10 तक तो आप ज़रूर पढ़ें, और अगर अच्छा पढ़ते हैं तो आप आईएएस पीसीएस भी बन सकते हैं, ये मैं आपको मोटिवेशन के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि आप ही का निर्माण करना है और आप खुद इस चीज़ को जाने, माता पिता तो आपसे रोज़ कहते ही होंगे, और मैं भी थोड़ा बहुत वीडियो बना रहा हूँ तो ज़रूर कह दूँ, क्योंकि इससे मेरा कोई लाभ तो है नहीं, लेकिन यह है कि आपका लाभ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका सर्वांगीण विकास गांव का किया जा सकता है तो आपका भी सर्वांगीण विकास हो, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक 10 रुपये आमदनी वाले ही छात्र रह जाएं, आपका सब रूप से विकास हो, और तभी एक अच्छे मानव बन पाएंगे, इंसान बन पाएंगे, वो बनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो कोई भी कमा सकता है और कभी भी कमा सकता है, ये आप देख रहे होंगे सामने, आपको पेज एकदम बता रहा है कि इस साल भी 10 लड़के हमारे हैं 11, लेकिन वो 12 में जाते जाते आते वो आ जाएंगे, BA में जाते वो रोज़गार पे आ जाएंगे, तो मैं जान रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और आप जो है अपने माता पिता का ख्याल रखें। मेनी मेनी थैंक्स, दीपक सिंह।
आपका दोस्त लक्स एंड RHA। आप आराम से टाइप करके इस वीडियो को देख भी सकते हैं, LUX and RHA। तो ये आप टाइप करके आप इसको देख भी सकते हैं। ये कोई ऐसा प्रॉफिटेबल चैनल नहीं है, ये एकदम आपके लिए है और निस्वार्थ है। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।